तो बड़ी खबर एलनाबाद उपचुनाव को लेकर है। गोविंद कांडा के लिए गोपाल कांडा करेंगे प्रचार। बड़ी खबर, ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे विधायक गोपाल कांडा और सुबह 10 बजे माखो सरानी गांव में पहुंचेंगे। वही तरकामली और शाहपुरिया गांव में भी करेंगे प्रचार। तो आज लगभग 10 से 11 गांव में चुनावी प्रचार करेंगे गोपाल कांडा, विधायक हैं सिरसा के। वहीं गोविंद कांडा को विजय बनाने की अपील करेंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे। एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा। तो बड़ी खबर एलनाबाद उपचुनाव को लेकर, आज सुबह करीब 10 बजे माखो सरानी गांव पहुंचेंगे सिरसा विधायक गोपाल कांडा और लोगों से अपील की जाएगी कि गोविंद कांडा को वोट करें, विजय बनाएं, ताकि एलनाबाद का जो विकास कार्य रुका हुआ है वो पूरा करवा सके। वही सुबह करीब 10 बजे माखो सरानी गांव में पहुंचेंगे गोपाल कांडा और उसके बाद तरकावली और शाहपुरिया गांव में भी प्रचार करेंगे। इससे पहले भी गोपाल कांडा कई गांव में प्रचार कर चुके हैं, भारी समर्थन लोगों का उनको मिला है। तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा और गोपाल कांडा ने गोविंद कांडा को विजय बनाने की अपील की है। गोविंद कांडा के बड़े भाई हैं गोपाल कांडा और अब चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो गोविंद कांडा को विजय बनाएं और भारी जन समर्थन उनको गांव में पहुंचने पर मिल रहा है। लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले वो कई गांव में गए और वहां पर लोगों से अपील की, लोगों की समस्याएं सुनी, जनसभा को संबोधित किया और लोगों से कहा कि जल्द ही और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। जी रवि, बात करूं, अब महज कुछ दिन बचे हैं और अब चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार करने के लिए गोपाल कांडा भी उतर चुके हैं। आज वो लगभग 10 से 11 गांवों का दौरा करेंगे, प्रचार करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी रवि, आप मुझे सुन पा रहे हो? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो पार्टियों के बड़े दिग्गज हैं, वो कहीं ना कहीं मैदान में कूद गए हैं। ऐसे में हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा, वो अपने भाई के लिए जो है चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं वो पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार से वो जो लंबे एक समय से यहाँ विधायक है और ऐसे में कहीं ना कहीं विकास कार्य को लेकर जिस तरह से साफ कहा जा रहा है कि जो विकास कार्य है वो जरूर करवाए जाएंगे, जो पिछले 18 से 20 साल में जो विकास कार्य यहाँ नहीं हो पाए थे वो आने वाले 3 साल में कराए जाएंगे। बात करूँ चुनावी प्रचार की, चुनावी प्रचार बिल्कुल जोर शोर से शुरू हो गया है। 3 दिन हो गए हैं जो सिरसा से विधायक गोपाल कांडा है वो 3 दिन पहले जो है उनका चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। आज ऐसे में कहीं ना कहीं जो 11 गांव है उन 11 गांव में वो प्रचार करने वाले हैं। अलाहाबाद के खास गांव वो ये माने जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सिरसा से लगते हुए ये गांव है और तमाम जो चीज है, तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हावी रहने वाले हैं क्योंकि जिस प्रकार से गोविंद कांडा ने विधायक रहते हुए रवि, मैं यहाँ पे बात करूँ, रवि मैं बात करूँ यहाँ पर क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दिन भी गोपाल कांडा चुनावी प्रचार कर रहे थे और आज भी वो लगभग 10 से 11 गांव में जाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से, इनेलो की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसा देखने को मिला वहां गांव में? अनु, देखिए जिस प्रकार से परसों के जो प्रोग्राम थे, लगभग 8 से 9 गांवों में जो प्रोग्राम थे, उन 9 गांवों में कहीं ना कहीं जो एक आंदोलन का जो हवा उड़ रहा था इलाहाबाद में कि जो किसान आंदोलन है उसको लेकर जो बीजेपी जेजेपी के जितने भी नेता है वो कहीं ना कहीं गांव में नहीं घुस पाएंगे और तमाम जो किसान संगठन है, तमाम जो किसान नेता है, किसान है, वो उनका विरोध करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल पलटती हुई नजर आई। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, उन्होंने अपने 9 से 10 गांवों का जो प्रचार था वो वहां पूरा किया और कहीं ना कहीं
मैं बात करूं, जिस प्रकार से वो जो अपनी बात लोगों के बीच रखना चाहते थे वो तमाम जो बातें हैं वो रख पाए, और ऐसे में जो दावा किया जा रहा था कि जो किसान आंदोलन है वो सक्रिय है और जो कहीं ना जो चुनाव प्रसार में जो है कमी आने वाली है या दिक्कतें आने वाली है वो बिल्कुल जो है उल्टी हुई तस्वीर, पलटी हुई तस्वीर नजर आई। क्योंकि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से गुरुघर में जो प्रकरण हुआ था, ऐसे में कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने साफ कर दिया था कि ये जो है ऐसी धक्का मुक्की करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसान नहीं है। उसके बाद जो तमाम जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक जो लोग थे, जो बीजेपी जेजेपी का जो विरोध कर रहे थे, ऐसे में वो बैकफुट पे आ गए। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा धक्का उनको लगा है इस चीज का, क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि हमारी ये मंशा नहीं होती, किसान कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हमने भी देखा है 10 महीने का आंदोलन जो चला था उसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो किसानों की तरफ से किया गया। ऐसे में जो रवि मैं बात करूं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और लोगों को भांपने की कोशिश आपने की होगी कि लोगों का क्या नजरिया है, किसे वोट देंगे, जो लोकल मुद्दे हैं वहां पर उनको देखकर लोग वोट देंगे या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको देखकर वोट देंगे, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है और विकास वही करवा सकता है जो लोकल नेता वहां पर जीत के सत्ता में आएगा। बिल्कुल अनु, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं इलाहाबाद हल्के की बात करूं, एक दो दशक के आसपास से कहीं ना कहीं इनेलो का वर्चस्व यहां रहा है, कहीं ना कहीं। रवि आप बने रहे हमारे साथ, रवि आप बने रहे, इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर ही है, गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। आज भी कई गांव में पहुंचेंगे गोविंद कांडा, बीजेपी के उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा इलाहाबाद से, और लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि विजय देकर एक बार आजमाने का मौका दीजिए, ताकि हम इलाहाबाद के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवा सकें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर जुड़े हुए हैं, रवि कालीरमन। रवि मैं आपके पास आती हूं, हमारा जो प्रश्न था वो अधूरा रह गया था, आप उसका जवाब दे रहे थे। मैं बात कर रही थी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हो वहां पर, और जिस तरीके से आपने लोगों को भांपने की कोशिश की होगी कि लोगों का क्या नजरिया है, कैसे लोग वोट करेंगे, तो बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्या लोग जो लोकल मुद्दे हैं वहां पर या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करेंगे, किस उम्मीदवार को? देखिए इलाहाबाद जो है कहीं ना कहीं इनेलो का गढ़ माना जाए, कहीं ना कहीं विकास कार्य यहाँ के जो क्षेत्रीय जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। कहीं ना कहीं मैं सड़कों की बात करूँ, पीने के पानी की समस्या की बात करूँ, या फिर बिजली की जो बात है, या फिर स्वास्थ्य की बात, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहने वाले, क्योंकि एक विधानसभा उपचुनाव है, विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, हम विकास करना चाहते हैं और हम विकास कराएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है विकास जो है ज्यादा कराने की जिम्मेवारी बीजेपी की, क्योंकि 18 से 20 साल से यहाँ विकास नहीं हुआ, लोग तरस रहे हैं विकास को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की साफ रणनीति है, साफ उनके द्वारा उनकी तरफ से कहा जा चुका है कि सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर राजनीति होगी और विकास के नाम पर ही जो है वोट मांगे जाएंगे। रवि मैं बात करूं, क्योंकि बड़ी खबर हमने बताई है, आज गोविंद कांडा भी चुनावी प्रचार करने के लिए गांव में जाएंगे, किन किन गांवों का वो दौरा करेंगे, कितने गांव शामिल हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बताया कि गोपाल कांडा चुनावी प्रचार करेंगे, आज लगभग 10 से 11 गांव में गोपाल कांडा जा रहे हैं, तो आज जो गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार है कितने गांव में रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा और कहीं ना कहीं एक समाज सेवी के रूप में वो जाने जाते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो जितने भी गांव का कवर करें वो कम है। आज का उनका जो शेड्यूल है वो करीब 8 गांवों का है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो शेड्यूल रहने वाला है वो 8 गांव, 9 गांव या 10 गांव रोज के हिसाब से वो कवर करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जब तक चुनाव होगा 30 तारीख जब तक आएगी तब तक वो करीब 2 से 3 बार जो है तमाम गाँव में घूम लेंगे, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे संपर्क में रहेंगे। एक नया चेहरा वो है नहीं, इलाका नया हो सकता है क्योंकि चेहरा पुराना है, क्योंकि जिस प्रकार से जो कांडा ब्रदर सेवा करते आए हैं उस सेवा का भाव से लोग उनसे मिलने आते हैं, तमाम जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनसे अच्छी भली भांति
जो है उनको जानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका सेवा भाव है, उनके घर जो आया है, उनसे मिलने जो आया है, उन्होंने उनकी जो समस्या है उसका मौके पर निदान करने के प्रयास किया है, ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं थी उनका जो है निपटान भी किया है। ऐसे में क्षेत्र नया है लेकिन कहीं ना कहीं जो पहचान है, चेहरा है, पहचान है वो पुरानी है, क्योंकि लोग जानते हैं, समाज सेवी रहे हैं, जनहितैषी रहे हैं और लोगों के बीच अमूमन रहते हैं, चाहे वो किसी भी, जब भी लोगों को कोई संकट होता है तो वो जरूर गोविंद कांडा जी के पास या गोपाल कांडा जी के पास जाते हैं। जी रवि, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी अनु जी, बात करूं मैं, आज गोविंद काड़ा चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं, उनके साथ कोई बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, बड़े नेता? अनु अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जो तमाम जो बीजेपी स्टार प्रचारक जो हों रहने वाले हैं, वो आने वाले दिनों में तमाम जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करूं या उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करूं या तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के उनकी बात करूं, तमाम जो लोग हैं वो इस प्रचार प्रसार में शामिल होने वाले हैं। और देखना ये होगा कि आने वाला प्रचार कितना जोरों शोर से होगा। कहीं ना कहीं पिछले 3 से 4 दिन का जो प्रचार है वो काफी बढ़ चढ़कर जो है डे बाय डे काफी इंक्रीज कर रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो लोग थे वो ये कह रहे थे किसान आंदोलन अहम भूमिका निभाएगा, किसान जो है रास्ता रोकेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो वैसी तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है कि वो पलटी हुई तस्वीर यहाँ नजर आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, बीजेपी के जब स्टार प्रचारक यहाँ आएंगे, जो जेजेपी के जो स्टार प्रचारक यहाँ आएंगे, जो अपने प्रत्याशी के लिए जो गठबंधन का प्रत्याशी है गोविंद कांडा, उनके लिए वोट मांगे, तो प्रचार प्रसार में कितना जो है दमखम नजर आता है, कितने लोग उनको सुनने आते हैं, एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सी कशमकश जो है विपक्षी दलों के बीच में ये रहने वाली है। क्योंकि एक उनका एक तरफ से ये कहना कि किसान आंदोलन है, किसान उनका विरोध करेंगे, और दूसरी तरफ किसान जो है वो समझ चुके हैं कि राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए जो तमाम जो विपक्ष जो दल है, या मैं बात करूं जो तमाम जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां जो है किसानों के सहारे सेक रहे हैं, तो वो तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है अब। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और वहीं हमारे दूसरे सहयोगी वैलनवाद से अमित तिवाड़ी जुड़ चुके हैं। जी अमित, बात करूं, लगातार सरगर्मियां तेज हैं, चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। आज भले ही गोविंद कांडा हो या गोपाल कांडा हो, दोनों ही चुनाव प्रचार करने के लिए लगभग 10 से 11 गांव में जा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, अगर बात करें तो इस चुनाव प्रचार अभियान ने अब गति पकड़ ली है और चुनावी विसात जो बिछी थी उसमें जो बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनका लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। चुनावी जो प्रचार प्रसार है वो अहमदाबाद के शहरी क्षेत्र में भी चला और अब आज जो एक पंतालीसा का इलाका है उसमें वे वोट की अपील करेंगे। एक जो करीब 9-10 गांव है वहां गोपाल कांडा जाएंगे और इतने ही गांवों में गोविंद कांडा वोट की अपील करेंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि इन जो 45 क्षेत्र के गांव हैं उनमें पहले भी जो गोपाल कांडा की दौरे में वहां रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रहती है, कितनी भीड़ जुटती है, ये सारी जो बातें अभी सामने आ जाएंगी। हालांकि अभी भाजपा के जो प्रचारक है, भाजपा के जो प्रचार करने वाले हैं बड़े पदाधिकारी, वे अभी जो नहीं उतरे हैं वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए, वे अब उनके भी स्टार प्रचारकों का क्रम शुरू होगा। जेजेपी के भी जो बड़े नेता हैं वे भी आएंगे। हालांकि नामांकन दाखिल करवाने वाले दिन सभी नेता मौजूद रहे थे और गठबंधन प्रत्याशी की मजबूती दर्शाई थी। अब जो प्रचार प्रसार में आगे बढ़ेंगे तो देखने वाली बात होगी कि इस अहमदाबाद क्षेत्र की चुनावी तस्वीर क्या रहती है। तीनों ही दलों के जो उम्मीदवार जो उतरे हुए हैं उनके लिए वोट की अपील चल रही है। हालांकि जो गोविंद कांडा का प्रचार प्रसार है, तमाम जो पहले जो कुछ बाधाएं उत्पन्न की गई उसके बावजूद भी अब बड़ा तेजी से पकड़ता जा रहा है। जी अमित, बात करूं क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं रही है, कोई भी दो राय नहीं है, जो एलनाबाद है वो इनेलो का गढ़ रह चुका है, वहां से लगातार चौटाला परिवार जीतता आ रहा है और गोविंद कांडा के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी, पर सिरसा वासियों के लिए या एलनाबाद के लिए वो चेहरा नया नहीं है, ये उनका प्लस पॉइंट है यहाँ पर। ये निश्चित रूप से कि अगर चुनावी इतिहास की बात की जाए, इस क्षेत्र के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से लगातार इनेलो ही अपना वर्चस्व स्थापित करती रही है। जी हालांकि अब इसकी बार इनेलो के लिए भी गोविंद कांडा के रूप में एक बड़ी चुनौती सामने आई है।
और गोविंद कांडा के लिए अगर बात करें तो यह क्षेत्र नया नहीं है, क्योंकि उनके काफी पारिवारिक सदस्य जो है रिश्तेदार वे एलराबाद क्षेत्र में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिरसा जिला के लिए गोविंद कांडा और गोपाल कांडा कोई नया चेहरा नहीं है, वे तमाम लोगों से मिलते रहते हैं और तमाम लोग वहां आते रहते हैं। मैं पहले भी कि चर्चा इस बारे में हुई है कि 45वां जो क्षेत्र है उसके कई गांव जो वो सिरसा विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं, वहां भी गोपाल कांडा ने चुनाव जीतने के बाद काफी विकास कार्य करवाए हैं, चाहे खालों के निर्माण के लिए निजी कोष से 10-10 लाख रुपए देने की बात हो, ये तमाम और सुविधाएं गौशालाओं में दान देने की बात हो, कई गौशालाओं को समृद्ध करने का काम जो है वो उनकी ओर से किया गया। तो ऐसे में एक समाज सेवी के रूप में एक चेहरा जो है वो प्रख्यात है और उसी का ही एक लाभ उन्हें मिल रहा है। हालांकि चुनौतियां तमाम रहती है अनु, सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौतियां दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी उतनी ही बड़ी है, कोई छोटी चुनौती उनके लिए भी नहीं है। उनके लिए अगर पहले जो सीट सुगम थी, बिल्कुल आसान राह दिखाई दे रही थी, अब उनके लिए भी राह मुश्किल हो गई है। बिल्कुल आसान चुनाव ये किसी के लिए नहीं, सबको ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सबको ही मुकाबले करने पड़ेंगे, सबको ही जो मैदानी स्तर पर जाकर जमीनी स्तर पर जाकर पूरी मेहनत दिखानी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं आज एलनाबाद में उपचुनाव के जो चुनावी प्रचार है वो जोरों शोरों पर है। आज गोपाल कांडा है सिरसा विधायक, वो भी चुनाव प्रचार पर है और वहीं पर गोविंद कांडा भी चुनाव प्रचार करने के लिए गांव गांव में लोगों के पास जाएंगे। तो वहीं सुबह 11 बजे तरकावली गांव में ग्रामीणों से मिलेंगे गोपाल कांडा, ये उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। 11:30 बजे शाहपुरिया गांव में वोट मांगेंगे गोपाल कांडा। जनसंपर्क अभियान के तहत 12 बजे शक्कर मंदोरी गांव पहुंचेंगे। 12:30 बजे रुपाना विश्नोई गांव में करेंगे चुनाव प्रचार। तो लगातार जो चुनावी प्रचार है वो जोरों पर है। 1:00 बजे रुपाना जटान गांव में पहुंचेंगे सिरसा विधायक, 1:30 बजे चहरवाला और 2 बजे जोगीवाला गांव में पहुंचेंगे। ये पूरा दिन का शेड्यूल है गोपाल कांडा का। 2:30 बजे रामपुरा बागड़िया के ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वहीं 3 बजे कुम्हारिया गांव में गोविंद कांडा के लिए वोट मांगेंगे सिरसा विधायक गोपाल कांडा। तो सुबह 10 बजे माखो सरानी गांव पहुंचेंगे गोपाल कांडा और लोगों से बात करेंगे। वहीं गोविंद कांडा का चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं। 11:00 बजे माधो सिंघानिया गांव पहुंचेंगे। 11:30 बजे बरुवाली गांव में करेंगे चुनाव प्रचार। 12 बजे गुड़ियाखेड़ा गांव में ग्रामीणों से करेंगे मुलाकात और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। 12:30 बजे बकरियां वाली गांव में चुनाव प्रचार करेंगे। जनसंपर्क अभियान के तहत 1 बजे निर्वाण गांव में पहुंचेंगे गोविंद कांडा। 1:30 बजे अरनियावली के गांव ग्रामीणों से बात करेंगे, वोट देने की अपील करेंगे। 2:00 बजे रंधावा गांव में चुनाव प्रचार करेंगे गोविंद कांडा। वहीं 2:30 बजे दड़वा गांव में पहुंचेंगे बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा। 11:00 बजे माधो सिंघाना गांव पहुंचेंगे गोविंद कांडा। 11:30 बजे बरुवाली गांव में करेंगे चुनाव प्रचार। 12 बजे गुड़िया खेड़ गांव में ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। वहीं 12:30 बजे बकरियां वाली गांव में लोगों से मिलेंगे जनसंपर्क अभियान के तहत। 1 बजे निर्वाणा गांव पहुंचेंगे। वहीं 1:30 बजे अरनिया वाली गांव के ग्रामीणों से वोट देने की अपील करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा। 2:30 बजे रंधावा गांव में चुनाव प्रचार करेंगे। तो लगातार एलनाबाद का जो उपचुनाव है वो रोमांचक होता जा रहा है। जो चुनावी प्रचार है लगातार तीनों पार्टियां चुनावी प्रचार कर रही हैं और लोगों के बीच जाकर वोट देने की अपील कर रही हैं। ये हम आपको बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनका जो पूरा कार्यक्रम है, पूरे दिन का जो शेड्यूल है लोगों के बीच आने का, वो बता रहे हैं।